ओम शांति। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 8 नवंबर की शिरोदन की। परमात्मा पिता कहते हैं, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सुफरिश्ता बाबा। अविनाशी नशे में रहे, परमात्मा से ही जो हमें प्रेम सुख शांति आनंद मिलती है वो अविनाशी है। इंसान से, वस्तुओं से, चीज़ों से, वैभवों से जो भी हम उठाते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है, और वो हर किसी को महसूस भी होता है कि आज खुश हैं कल नहीं हैं। चीज़ प्राप्ति हो गई, प्रमोशन मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ और चाहिए हमें, तो अविनाशी नहीं रह पाता वो। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। क्यों देवताओं से भी ऊंचे हैं? देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। जो हमें आज हमें ज्ञान मिल रहा है, आज हम ये वरदान सुन रहे हैं, वो हमें बार बार इस्तेमाल करना नहीं आएगा। जैसे आज हम कोई परिस्थिति को अनुभव करते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इस ज्ञान को, हाँ बाबा ने ऐसे कहा था, ऐसे न करो, ऐसे करो, ऐसे न करो, तो वो इमर्ज होता है वो ज्ञान। लेकिन सत्युग में ये ज्ञान स्पष्ट इमर्ज नहीं होगा, बस हाँ जो भी हमने प्रैक्टिस करी है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हम करते रहेंगे। मतलब हम वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्यार से बात करेंगे, क्रोध नहीं आएगा हमें। आज हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रोध के बाद जीत पाने की हमें मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान को बार बार याद करना पड़ता है, वहाँ पर वो इमर्ज नहीं होता है। परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा अभी संगम युग पर ही हमारे साथ हैं सत्युग में, और अगले 5000 साल तक फिर हमारे साथ नहीं होंगे। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं, ये अविनाशी नशा ही रूहानी मौज और मज़े का अनुभव कराने वाला है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो कितनी ऊंची लाइफ है, कितनी ऊंची प्राप्ति है हमारी पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझेंगे, मूंझा मतलब कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो कभी अगर हमने दुनिया भी नशा उठाया, कभी हमने परमात्मा से नशा उठाया, कभी हमने दुनिया भी खुशियाँ उठाई, कभी परमात्मा से खुशियाँ उठाई, कभी दुनिया भी ज्ञान में गए, नई नई चीज़ों के पीछे भागे, कभी परमात्मा के ज्ञान के पीछे भागे, मतलब कभी इधर के कभी उधर के, तो बीच के रह जाएंगे तो मूंझेंगे, कन्फ्यूजन होगा हमारे मन के अंदर। वो कन्फ्यूजन क्या होता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, होता नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस आना ही मतलब मूंझना है। इसको और गहराई से समझने के लिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में जाएं। ओम शांति।